खबरों की होती है, कुछ कहानियां कह जाते हैं, कुछ कहानियां सोच के रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कहानियां सोचने वाले ना बने, कहानियां लिख जाएं, कहानियां कह जाएं। देखिए, सबसे पहला बात कि मैं बहुत नेचुरल पर्सन हूं, नेचर मुझे बहुत पसंद है और यहाँ की जो खूबसूरती है विशेष करके प्रकृति के संदर्भ में वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। लोग यहाँ पर समय निकाल कर इसलिए आते हैं क्योंकि जो भागम भाग की ज़िंदगी है उससे थोड़ा सा सुकून वो ज़िंदगी में ले पाएँ, तो इस वजह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुझे लगता है कि इको पार्क उन्हें वो सुकून देता है, इस वजह से मुझे ये चीज़ें यहाँ की बहुत आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। और अगर हम कहें कि कोलकाता के इको पार्क की जो खासियत है वो मतलब इतिहास और प्रकृति को आत्मसात किए हुए हैं, एक संगम है। और सबसे बड़ी बात की एक बड़े से क्षेत्रफल में फैला है हमारा इको पार्क। जैसा कि ऋतुराज जी ने पहले कहा कि बहुत सारे शहरों में होता है, पटना में है, यहाँ है, बेंगलुरु में है, लेकिन कोलकाता ज़्यादा लुभाता है, इसलिए कि कोलकाता अपना शहर है, कोलकाता में वास करते हैं। और सबसे खास बात जो है ऋतुराज वो आरजे है, आरजे ऋतुराज, तो कल के होने वाले आरजे आज हमारे साथ है। ये हमारी कुछ नसीबी है कि वो मेरे आग्रह पर इको पार्क में आए। और मैं चाहूँगा कि कुछ दो शब्द जिस प्रकार वो आरजे में बोलने वाले हैं वो रखे हमारे चैनल के लिए। दरअसल कहानियाँ सबों की होती है, कुछ कहानियाँ कह जाते हैं, कुछ कहानियाँ सोच के रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहानियाँ सोचने वाले ना बने, कहानियाँ लिख जाएं, कहानियाँ कह जाएं। हमारे धीरज भाई का ये जो प्रयास है अपने चैनल के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, लोग इनके चैनल से जुड़ रहे हैं, पसंद किया जा रहा है। ये जगह जगह पे जाकर के पर्यटन स्थल का नज़ारा लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, उसकी जानकारियों से रूबरू कराते हैं। और मैं चाहूँगा कि और भी अगर इन्हें भविष्य में मौका मिलता रहे तो ये ऐसी ही जानकारी और खजाना आप सबों के लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद ऋतुराज। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि इको पार्क अपने आप में सौंदर्य को लपेटे हुए है, समेटे हुए है। देखिए किस प्रकार फवारे को डाला जा रहा है। सौम्यता जो है, एक भव्यता का जो है साथ आपको इको पार्क कराएगा। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मतलब क्या भव्यता है यहाँ की। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है इसके बीचों बीच ये फवारा है जो कि लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। और एहसास होगा कि गर्मी से किस प्रकार लोग परेशान हैं। और एक राहत की बात होती है कि जब फवारा आपके ऊपर पड़ता है तो बड़ा ही मोहक और आनंदमय प्रतीत होता है। धन्यवाद। आपने सुना होगा कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और होते हैं, खाने की कुछ और होते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के भैया कुछ नहीं। और टच बिल्कुल भी नहीं, उधर देखिए, डोंट टच, अदरवाइज यू विल बी पे फॉर 500 एज अ फाइन। वीडियो के समापन की ओर हम लोग हैं और आज के सेगमेंट की समापन की ओर है, तो इसी श्रृंखला में जो है ऋतुराज कुछ हम लोगों के समक्ष दो पंक्तियां रखेंगे। कहना चाहूँगा कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सैर करते रहिए, दुनिया घूमते रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पर्यटन से सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ये जगह वैसे लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो कि टूरिज्म में इंजॉय रखते हैं, वो करते हैं। और कोलकाता आइए तो एक बार इको पार्क जरूर आइए और इन खूबसूरत नज़ारों का आप आनंद खूब उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर धीरज। ये थे हमारे चैनल के मेहमान आरजे ऋतुराज। और आप जब कभी भी कोलकाता आए तो आपसे विनती है कि आप इको पार्क जरूर आए, यहाँ आपको प्रकृति की सौम्यता और भव्यता का साक्षात दर्शन होगा। तो ये थे ऋतुराज और मैं धीरज कुमार, धन्यवाद कैमरामैन आशीष के साथ।